स्टोरी वीवर पर प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम कक्षा 1 से 5 के छात्रों में स्टेम कौशल और मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शिक्षकों के लिए उनकी अपनी गति और सुविधा वाले प्रशिक्षण वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये 2 भाग वाला वीडियो प्रथम बुक स्टेम कौशल और चिंतन कौशल प्रतिफल फ्रेमवर्क को समझने में आपकी मदद करेगा। इससे छात्रों में स्टेम कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। स्टेम कौशल जैसे अवलोकन, निरीक्षण या बारीकी से देखना, पैटर्न की पहचान, अनुमान लगाना, तार्किक विचार। प्रथम बुक स्टेम कौशल और चिंतन कौशल प्रतिफल फ्रेमवर्क में 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र या डोमेन शामिल हैं: विज्ञान प्रक्रिया कौशल, गणितीय चिंतन, इंजीनियरिंग डिजाइन सिद्धांत, प्रौद्योगिकी कौशल और स्टेम माइंडसेट। विज्ञान प्रक्रिया कौशल में अवलोकन यानी घटनाओं को गौर से देखना और उनके प्रति जागरूक होने की क्षमता शामिल है। ऐसा 5 इंद्रियों श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और गंध में से किसी के भी माध्यम से होता है। जांच या पूछताछ करना उस घटना को समझने के प्रयास में प्रश्न पूछने की क्षमता है। ये प्रश्न कैसे, क्या, कहां, कब, क्यों और कौन से शुरू हो सकते हैं। वैज्ञानिक खोज, विशेष रूप से कोई भी नई खोज किसी घटना की जांच करने की क्षमता पर निर्भर होती है। इसमें डेटा संग्रह, अनुसंधान, व्यवहारिक प्रयोग करना आदि शामिल होते हैं। जांच और बारीकी से निरीक्षण करना एक महत्वपूर्ण विज्ञान प्रक्रिया कौशल है, जो बच्चों को अनुभवात्मक तरीकों के जरिए अपने खुद के उत्तर खोजने की एक विधि विकसित करने में भी मदद करता है। वर्गीकरण वस्तुओं या घटनाओं की विशेषताओं में समानता और अंतरों को देख पाने का कौशल है। इससे चीजों के गुणों के अनुसार समूह बनाए जा सकते हैं। वर्गीकरण से बच्चों को परिणाम खोजने और उन परिणामों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। वर्गीकरण से बच्चों को स्टेम अधिगम में जानकारी को क्रमबद्ध करने की योग्यता विकसित करने में मदद मिलती है, जो कि अपने आप में एक जीवन कौशल भी है। सही अनुमान लगाने का मतलब होता है जांच से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके उनकी व्याख्या कर पाना। ये विज्ञान की वो प्रक्रिया है जो बच्चों को उन प्रश्नों के निर्णायक उत्तर खोजने में मदद करती है जिनके लिए उन्होंने उस काम की शुरुआत की थी। ऊपर कही गई बातों से मिलकर संचार ऐसा कौशल है जो बच्चों को अपने विचारों और निष्कर्षों को दुनिया के सामने स्पष्टता के साथ रखने में मदद करता है। असल में ये कौशल ही बदलाव को संभव बनाता है। इंजीनियरिंग डिजाइन सिद्धांतों में किसी प्रक्रिया के शोधन के लिए भौतिक मॉडल तैयार करना और बार बार दोहराव शामिल होते हैं, जो समस्या के समाधान खोजने के लिए बड़े उपयोगी हैं। भौतिक मॉडल तैयार करना वास्तविक दुनिया की समस्याओं के आधार पर सिमुलेशन पर काम करने का व्यवहारिक अनुभव देता है और उससे सीखने को बढ़ावा देता है। भौतिक मॉडलों में चार्ट, पेंटिंग, DIY मॉडल, खिलौने आदि शामिल होते हैं, जो ठोस घटनाओं और उनसे जुड़े समाधानों को दर्शाते हैं। शोधन या किसी विचार को और परिष्कृत करने के लिए पुनरावृत्ति एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिससे बच्चों को गलतियां करने और उनसे मिली सीख से अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का अनुभव मिलता है। स्टेम मानसिकता या माइंडसेट अंतर विषयक है और निरंतर सीखने की योग्यता विकसित करने में बहुत मदद करती है। बाधाओं का सामना करने के बावजूद किसी लक्ष्य की ओर लगातार काम करने के संकल्प और इच्छा को ही दृढ़ता कहते हैं। ये बच्चों को बिना हार माने प्रयास करने और अपनी गलतियों के जरिए सीखने में मदद करती है। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा।
इससे बच्चों को ये समझ में आता है कि ईमानदारी से कोशिश की जाए और सही मदद मिले तो वे नई चीजों को सीख सकते हैं, भले ही वे पहले काफी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगें। आपसी सहयोग बच्चों को एक समान परिणाम की दिशा में एक टीम की तरह काम करने और एक दूसरे के साथ संवाद बनाने में मदद करता है। स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम में सीखने के अनुभव स्टेम कौशल से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, अम्मा घर कब लौटेगी, ये कहानी निजी अनुभव के रूप में बच्चों को परिवार की दिनचर्या के जरिए समय से जुड़ी धारणा को समझने में मदद करती है। इससे बच्चों को ये देखने में मदद मिलती है कि समय कैसे बीतता है। वे अपनी दिनचर्या के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें इस बात के आधार पर वर्गीकरण के कौशल को विकसित करने में मदद मिलती है कि दिन के अलग अलग समय में किस तरह की गतिविधियां की जाती हैं। इससे हफ्ते के शुरुआती दिनों और अंतिम दिनों के बीच का अंतर और दिनचर्या में पैटर्न स्थापित किया जा सकता है। जब बच्चे किसी एक दिन की अपनी समझ को छवियों के माध्यम से साझा कर पाते हैं, तब इससे उनका संचार कौशल सक्रिय होता है। स्टेम कहानियों के कई पात्र स्टेम माइंडसेट का प्रतीक हैं, जिनसे बच्चे कुछ सीख सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। जैसे कि नारियल शिल्पी सुपम्मा कहानी में सुपम्मा, जिसकी सीखने की चाहत, नई खोज और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा और कभी हार न मानने वाला रवैया देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने देखा, प्रथम बुक स्टेम कौशल और चिंतन कौशल प्रतिफल फ्रेमवर्क में 5 कार्य क्षेत्र या डोमेन हैं, जिनमें से हमने देखे विज्ञान प्रक्रिया कौशल, अवलोकन, पूछताछ, जांच, वर्गीकरण, अनुमान लगाना, संचार, इंजीनियरिंग डिजाइन सिद्धांत, भौतिक मॉडल का निर्माण, शोधन के लिए पुनरावृत्ति या बार बार दोहराव, स्टेम माइंडसेट, दृढ़ता या निरंतर रियाज, आत्मविश्वास, सहयोग। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फ्रेमवर्क दृष्टिकोण के बाकी के डोमेन पर अगला वीडियो देखें। इस मॉड्यूल का प्रमाण पत्र पाने और अपनी कक्षाओं को मजेदार स्टेम कक्षाएं बनाने के लिए वीडियो की इस पूरी श्रृंखला को देखें। एक एक कहानी करके आगे बढ़ें और स्टेम की रोचक दुनिया की खोज करें।